नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा वंदनाज रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे गाजर से एक नया डिश, गाजर का सलाद। जी हाँ, ये गाजर का सलाद ही है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ ही साथ ये हेल्दी भी है। गाजर को हम किसी भी रूप में खाएं, ये हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा भी इसमें सारे तत्व पाए जाते हैं। गाजर में फैट 9 के बराबर होता है, लेकिन ये पौष्टिकता से भरपूर होता है। तो आइए देखते हैं हम कि गाजर का सलाद हम कैसे बना सकते हैं। गाजर का सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर। ये मैंने गाजर लिए हैं। जिनको हम छीलेंगे। गाजर का सलाद बिना हम छीले नहीं बना सकते हैं। ये मैंने गाजर को छील लिया और इसको अच्छे से धुल लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस में जो बीच वाला छेद होता है उसी से हमें कद्दूकस करना है, ना बिल्कुल बारीक करना है ना मोटे वाले से करना है। इस तरह से हमने अपने दोनों गाजर को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इन गाजरों को एक बाउल में रखेंगे। अब हम इसी में कटे हुए धनिया के पत्ते, कटे हुए लहसुन के पत्ते, हरी मिर्ची, और स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसे हम मिलाएंगे। इसे हम और टेस्टी बनाने के लिए इसे हम तड़का लगाएंगे। इसमें चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, उस पर हम अपने पैन को रखेंगे। पैन में 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। मैंने रिफाइन ऑयल लिया है। जब तेल हमारा गरम हो जाए तो उसी में हम 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। ये राई हमारी चटकने लगी है। अब हम गैस बंद करेंगे और इस तड़के को अपने सलाद में डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 नींबू निचोड़ेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
जब ये सारे अच्छे से एक मिक्स हो जाएं, तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तैयार है हमारा गाजर का सलाद। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरह से एक बार गाजर का सलाद ज़रूर बनाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।